गाइस पूरी बाइकर गैंग निकली है यहाँ की। तो वापस से मैं आज फिर टी शर्ट लेने आया हूँ जो इन्होंने एक्चुअली मैंने इनको देखा भी था यहाँ पर ही बना रहे थे ये और बहुत ही अमेजिंग है। मुझे एक्चुअली ये व्हाइट में नहीं चाहिए ब्लैक में चाहिए था, मस्त बनाया है। तो गाइस हम लोगों की अभी फिलहाल इतनी गंदी बैंड बजी हुई है ना, हम लोगों को यहाँ तक जाने पास में फिर भी हमने कैद लिए। थके नजर आए, पता नहीं पैराग्लाइडिंग के बाद पहली बार इतना थकान लगा है। कल का थकान अभी भी खत्म नहीं हुआ ना, इस वजह से आज ज्यादा लगा है। और ऊपर से सारा है ना खाया हुआ सुबह का नाश्ता हिल गया पेट में। फिर एक बार होटल भी जाना है, मुझे मिनी ब्लॉग एडिट करना है उसके लिए भैया जी तो उतर के चले गए। अब दूसरे वाले भैया जी को ढूंढने के कहां वो नहीं मालूम है। वो रंकी तो याद आ गया, वो लास्ट में अपने कब मिले थे 31st को ना। हाय इनके एक्सप्रेशन देखो, आप तो पहले मिलके गए ना, आप तो पहले मिलके गए ना जॉन भाई। ये देखो वो क्या है आपके लिए, स्पेशल हॉट चॉकलेट है। ये हॉट चॉकलेट है, इसके अलावा समझो इसमें दो मेमोरी नहीं, इस बार कागज के कप में नहीं, इसमें मिला है सिरामिक कप में। इसमें ज्यादा कुछ ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लास्ट टाइम ऊपर से डबल चॉकलेट डलवाया था। हेलो कैसे लगा हॉट चॉकलेट? अच्छा, ऑलवेज की तरह हीरन का फेवरेट जगह। मुझे एक बात बताने हैं, अच्छे नेचुरल होंगे बाकी सब आर्टिफिशियल। मुझे आर्टिफिशियल फ्लेवर से एलर्जी है। ये देखो वापस दे दिए तूने, खत्म कर दिए। ये देखो स्कैम करते हुए खाली कप में एक्टिंग कर रही है कि मुझे कितना अच्छा है झूठ। और इसने क्या किया पता है, ये मेरा खाली कप था ना उस पर ना पीता हुआ शॉट लिया, और ये वाला जो जॉन भाई के लिए आया ना नया नया पूरा हॉट चॉकलेट, उसमें ये बता रही थी कि ये मैंने मेरा बिफोर है, ये मेरा आफ्टर है। चीटर इंसान। ये अंकिता का आ गया स्मूदी बाउल। अंकिता इतना हेल्थ अच्छा करके कहाँ जाएगी है झूठी। और ये देखो गाइस मेरा कितना मस्त लग रहा है, सच बताना आप सच बताओ देख के खाने का किस चीज को मन करे, इसको या उसको, सच बताना। अच्छा क्रेविंग ऐसे लगे आए इससे पेट भर जाएगा, मजा आएगी है ना। तो फिर ये वाला वो रुका सुखा लग रहा है, 3-4 चम्मच उसके बता दो कैसा है। बहुत अच्छा। ये देखो गाइस ये ऐसा नहीं लग रहा कोई UFO है, बस सब्जी से भरा हुआ। दिसंबर जैसा नहीं पर अच्छा है। जल्दी हम लोग इसलिए इतना सारा हंस रहे, जॉन भाई ने नया कार्टून देखा है जैसे सुपरमैन, वो सब होता है जैसे ये पूप मैन है, इसके पावर है पूप। ये देखो पूप करता रहता है, हद है मतलब यार। लग रहा जो भी है बट है फ्रेंच फ्राइज फॉर सम रीजन। फाइनली ये लोग मिले और इन्होंने हमारा वीडियो देखा। हिंदी आता है मुझे चॉकलेट से एलर्जी है, बट मुझे यहाँ के चॉकलेट से थ्रोट इन्फेक्शन नहीं होता। स्माइल एंड थैंक यू मैजिक। मैं डॉक्टर खोलती हूँ ना, अंदर ऐसा लगता है। वैसे योर फ्रेंड वीडियो ना कैसा लगा वीडियो देख के? बस अच्छा होगा ना। फ्रेंड कहा था आता है। नाम नहीं पूछा अभी, अभीना 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 का नाम अभी पता करो। अगेन से थैंक यू वीडियो अगेन। नहीं बच बच पागल क्या कर रही है, ऐसे मत जा। अरे यार बारिश वो इतनी तेज बारिश, घूमने निकले थे आज लो, तेरी वजह से हुआ ये सब, सच बता रहा हूँ। हाँ तो यहाँ की एक अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे पानी ठहरता नहीं है, 5 मिनट तक क्लियर हो जाएगा कितनी बारिश होगी। अर्की बीन्स कैफे में आए थे जहाँ की हमने बात की थी, मतलब जो हॉट चॉकलेट गर्ल फेमस हो गई हमारे चैनल पे, और यहाँ का फूड एक्चुअली बहुत अच्छा है। ये देखो मम्मी बारिश बंद होने के वेट में है ना, कुछ भी बोल रही है कुछ भी बातें रैंडम टॉपिक पे निकाल रही है। जॉन भाई उन सारी टॉपिक पे सपोर्ट करके और भी टॉपिक निकाल रहे हैं, और ये जो इंस्टाग्राम पे बस रील पे रील स्क्रॉल किए जा रही है। देखो अभी किसको देख रही है, मोदी जी को देख रही है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं, मेरे लिए बस ये बारिश बंद हो जाए मैं खुश हूँ। हम तो फाइनली थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है फिर भी निकल पड़े, मतलब कौन इतना टाइम वेस्ट करेगा। नहीं विदाउट मनी देयर इज नो हनी। और मम्मी एक ही चीज पकड़ी हुई है, भले बारिश कम हो रही है बंद होने वाली, मम्मी बोले बस छाता ले लो, हर दुकान खड़ी रहती है मम्मी बोले छाता ले लो। कहाँ घूम रही है तू, गीली हो जाएगी तबीयत खराब हो जाएगी, बैठ जा अंदर। यार मजा आ रही है पर यहाँ पर आके बारिश एंजॉय कर रहे हैं, गीले होते होते आ गए। तो हम लोग आए हैं बाल्तरा मतलब बर्तन की दुकान में,
सोचो सोचो वो भी नेपाल में, वो भी पोखरा में बर्तन खरीदे यहाँ से। मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने बोला सच में यहाँ से ग्लास चम्मच बर्तन ये सब तू लेके अहमदाबाद जाएगी? हाँ बोले कुछ नहीं बोलेगा मम्मी, बर्तन यहाँ से लेने का सोच रही है नेपाल से। ये जब से बर्तन देख रहे हैं तब से ये बोले मोमो का बिजनेस करने, शॉपिंग है ना मम्मी करने है। ये भैया पहली बार बर्तन की दुकान में है तो हर चीज को टच करके ऐसे फील करके देख रहे हैं। ये ये वो क्या कर रहे थे इसको घुमा रहे थे, ये देखो ये एक एक चीज का खेल रहे, खिलौने की दुकान में आ गए ना वैसे। और जॉन भाई ऐसे सीरियसली, हाँ ये वाला बर्तन नहीं, वो वाला बर्तन नहीं, ये वाला बर्तन। मुझे तो लगा था नहीं होगा, पर मम्मी ने सच में बर्तन की शॉपिंग की यहाँ से। और अब मम्मी पता क्या सोच रही है, अब एक बैग खरीदनी है, वो बैग के अंदर ये सब डालेंगे अब। थैंक यू सो मच। क्या सामने कोई नारायण दाई या दाल पता नहीं क्या नाम है, नारायण दाई को मसलंगाली को फेमस मोमो, मतलब यहाँ का फेमस क्या काठमांडू का ओरिजिनल फेमस मोमो वाला है। तो हम यहाँ पे जा रहे हैं जो यहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस, ऐसा लिखा भी है और हमने इस इंसान से सुना भी है। गौर से देखो इस इंसान को, काठमांडू का ओरिजिनल 1962। चल अंदर, ये अच्छा है। नहीं कभी कभी क्या बहुत ऑथेंटिक और फेमस होता है ना, शायद कभी कभी उसका टेस्ट समझ में नहीं आता, ऐसा होता है। ठीक तो है ना, ये भैया जी गाड़ी ऐसे हमेशा जगह रखते हैं ना कि नीचे हमारा खड्डा होता है, मम्मी को फाता नहीं है, और फिर वो गाड़ी भैया हटाते भी नहीं है। भैया जी ने रिवर्स मारी, फाइनली मम्मी रास्ते पे लैंड हो पाई। और क्या क्या देखा, क्या करता है यार इरेंडु, क्या कुछ भी। तो ये हमारे मोमो आ गए, लेट्स ट्राई एंड बताता हूँ कैसे लगे। बहुत अमेजिंग है, फाइनली हमने ना दो दो प्लेट मंगाई थी। बहुत रिक्वेस्ट किया कि बहुत अच्छा मोमो है, पर मम्मी ने बोला फ्राइड होगा तो खाऊंगी वरना नहीं खाऊंगी। और यहाँ पे सिर्फ स्टीम है, और एक अच्छी चीज पता है क्या है, यहाँ पे मल्टीपल फ्लेवर्स नहीं है, वेज नॉन वेज दैट्स इट। एंड ट्रस्ट मी, मैंने नेपाल जाने के बाद सबसे अच्छे मोमो मैंने यहीं पे खाए। ये एक्चुअली काठमांडू की स्पेशल है, तो काठमांडू में तो मिलेगा ही, यहाँ पे भी खा सकते हो। तो मम्मी खाना खाने बैठी है नीचे, जॉन भाई भी नीचे ही है, और मैं फटाफट जा रहा हूँ ऊपर, क्योंकि थोड़ा सा फ्रेश होना है। पर फ्रेश होने से पहले इम्पोर्टेंटली मुझे एडिट करके अपलोड करना है। आज वीडियो बहुत लेट जाएगा, मतलब ऑब्वियसली परफॉर्मेंस वीडियो का बहुत बुरा जाने वाला है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फिर भी अपलोड करूँ। पता चलता रहता है। मैच लेटर। हम जा रहे हैं वापस बाहर, सिर्फ मैं, अंकित और जॉन भाई, क्योंकि मम्मी कर रही है आराम। और नाइट टाइम में होटल के बाहर का ये नजारा देखो भाई, awesome। आई नो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, पर जितनी बार मैं देखता हूँ मैं आप लोगों को भी बता दूँ। कैसे लिख रहा है? नहीं मैंने आपको आगे का है। आप मैसेज मत किया करो ना, कॉल किया करो दादा केबल। आपको पता है मैं कभी मैसेज नहीं पढ़ता हूँ। वो वाला है मेरे को पहले नहीं, पहले नहीं, पहले इधर बात करो। मेरे को एक बात बताओ, क्या आज तक मैंने मैसेज पढ़ा है? नहीं। फिर भी आप कॉल की जगह मैसेज करते हो? मैंने मैसेज भी किया था, वो कॉल आप बिजी हो कुछ भी। तो हम लोग पहुंच गए हैं मार्केट में, ये कौन सा मार्केट बोलते हैं? अभी तक तो फीवाले की मार्केट, ठीक है, यहाँ का मेन मार्केट मतलब पोखरा का। और हम मैं जस्ट उतरा गाड़ी से, आगे गया पीछे से गायब, मैं देख दिखा रहा हूँ कहाँ गए, बोलो गाड़ी पे वापस चले गए देखने के लिए। अरे देखने क्या गए थे? नहीं वो विंडो कभी ओपन होता है ना। अच्छा, कोई जाके सो रहा होता तो अंदर खींच के निकालना पड़ता। नहीं अंकिता निकाल देती, अकेले उठा के फेंक देती, बस कोई जरूरत नहीं है। दिमाग नहीं खराब कर, कोई सैंपल अमल नहीं देखने मिलेगा। काफी सुनसान गली में से क्रॉस होते हुए, हाँ मालूम है, पर कल मैंने इधर का ज्यादा ब्लॉग नहीं किया था, अंधेरा में जाता था वो, मैं गिर जाता अभी। और हम लोग फिर से आगे लेक साइड, क्योंकि जॉन भाई को बड़ा मजा आता है हमको लेक साइड के लेके आने का। और कल लेक साइड की वजह से मम्मी ने बहुत डांटा था, बहुत गुस्सा हुई थी, तब जॉन भाई ने वो है ना क्या बोलते हैं, ठीक करने के लिए आज मम्मी को बोटिंग पे लेके चले। यहाँ पे ऐसे हम राउंड मारने जा रहे, कहीं कुछ करने वाले नहीं है। मैंने उसको बोला कि चल तेको खींच के ले आता हूँ, तेको करवाता हूँ। भाग गई बारी, भाग गई, चल चल आ जा, चल ना क्या तू अभी, चल जल्दी जॉन भाई। हाँ, मस्त है ना। हाँ, कभी कभी ऐसा मन करता है ऐसे ये रोल होकर निकल के ऐसे व्हील की तरह निकल के शहर में घूमने चले जाते हैं, घूमने सिर्फ काठमांडू जाने के लिए इसमें चलते हैं। अच्छा मैं क्या बोल रहा, चल इस राइड पे चलते हैं, एक राउंड मारते हैं, एक ही राइड है पूरे में। मेरे को नहीं जाना। चल तू हर जगह मना कर रही है, ना स्केटिंग में मना कर रही है, ना इसमें मना कर रही है। जान भाई यार यहाँ पे मैं नेक्स्ट टाइम आएगा ना तो एक कोई अच्छा कंपनी ला के देना जिसके हाथ मैं ये सारी चीजें कर पाऊँ। नहीं नहीं हमको अच्छा कंपनी चाहिए, हमको फीमेल कंपनी चाहिए।
ये थोड़ी बात होती है। तो अचानक अंकिता को मन हुआ कि ये जगह अच्छी लग रही है, आइसक्रीम के लिए आइसक्रीम खाएगी। तो अंकिता ने आइसक्रीम लिया नेपाली रुपये में 200 रुपये की ना, मतलब इंडियन में कितना होता है 150। बटर स्कॉच में बटर आता कभी? और तूने तो ये उसकी तरह किया गोले जैसा, ये और ये मिक्स। चल ठूस के बता कैसा लगा। जॉन भाई अपने लिए तो वो वाला आइसक्रीम सही है ना? हाँ, मेरे पूरे वीडियो की बैंड बजा के रख दी, वर्टिकल वीडियो ले लिया पूरा का पूरा। अच्छा बुरा नहीं बोल सकता, डिफरेंट। मैंने बोला यहाँ चलते हैं, अंकिता ने बोला बहुत शांत लग रहा है तो आगे और चलो। हद है यार, जॉन भाई ये बहुत परेशान कर रही है ना, इधर चलो इधर चलो, दिमाग खराब कर रही है। ये क्या बोल रही है कि मुझसे अच्छी कोई मिले तो बताना, ठीक है? हमको अच्छी थोड़ी चाहिए, वी वांट अ बैड गर्ल। वेरी बैड वन? नो, बैड गर्ल चाहिए हमको, गुड गर्ल चाहिए ही नहीं। बैड इज गुड, इट्स गुड टू बी बैड। तो हम ये वाली जगह या तो ये वाली जगह में से कंफ्यूज है कि कहाँ जाए, क्योंकि इन दोनों में लाइव म्यूजिक है। हम लोग बाहरी वसूल कर रहे हैं, बाहरी डांस करने लग गए, पूरे अंदर जाएंगे पैसा देना पड़ेगा। फाइनली इससे डाले मैं, क्योंकि उधर तो है ना एक्चुअली बहुत सारे टेबल्स है, पर सारे पैक है और जो टेबल अवेलेबल है कोनों में अवेलेबल है। इसका नाम है सिम सारा। लाइव म्यूजिक मस्त है ना, अच्छा बैंड है। हमने पिज्जा मंगाया है जो कि बहुत ऑसम है। और गाइस पता है क्या, हाँ मैं ये वाला सबसे छोटा वाला ही आया है, थैंक गॉड बड़ा मंगाया तो बैंड बजा दिया। वैसे भी ये भी खत्म, वैसे भी ये भी खत्म नहीं होगा। और इन्होंने भी कम मंगाया तो पूरा बॉल भर के आया है। गाइस हम लोगों ने खा लिया, यहाँ से निकल रहे, बस बता रहा हूँ बाई चांस पोखरा में वो लेक साइड आओ, सिमसारा करके जगह है ना, यहाँ का फूड, यहाँ की प्राइसिंग सब कुछ सस्ता भी है और क्वालिटी बहुत अमेजिंग है। हम लोगों को भागना पड़ रहा है क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है। हम लोग भाग भाग के फिर से आ गए, पूरे गीले हो गए, भयंकर बारिश, हमारे निकलते ही भयंकर बारिश शुरू हो गई। हम लोगों ने फाइनल डिसाइड किया कि हम लोग बारिश थोड़ा थोड़ा कम हुआ था तो निकल गए, पर पूरे गीले हो गए। फिर हमने कैलकुलेशन लगाया, जितना तेज भागोगे उतना ज़्यादा गीले होंगे, जितना स्लो भागोगे उतना धीरे धीरे गीले होंगे, पर गीले तो उतने ही होंगे पर थक जाएंगे अलग। तो बेटर है आराम से चलते चलते गीले होते तो जाते हैं। पर उसका फायदा हुआ कि हम लोग ऑलरेडी जितने गीले थे तो ठीक है, पर उसके बाद गीले नहीं हो गए, बारिश ही बंद हो गई। अभी हमारी गड्डी वो रही। आए यार गाड़ी में बैठ के इतना अच्छा लग रहा है ना। अभी तो हम होटल थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे, बट बहुत से टाइम बनेगा क्योंकि रास्ते में इतनी भयंकर बारिश वापस से शुरू हो गई है कि अगर वहाँ पे थोड़ी देर रुकने का सोचते तो अब वहीं पे रुकना पड़ता, थोड़ी देर नहीं बहुत ज्यादा देर। ये सबसे खतरनाक टर्न ये वाला है, और रात को खास करके, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है इसकी। और ये वाला रास्ता इतना छोटा है ना, यहाँ से देखते सीधा नीचे पूरा शहर दिखता है, जा रहा है शॉर्टकट में जाओ वहाँ पे सीधा। वो बोलेगा इतने बारिश में भी कौन आ रहा है भाई इतनी रात को, सो जाओ जाके घर पे, दरवाजा खोल दो। पर एक बात है, यहाँ का वॉचमैन सारा रात को भी जागता होता है। ये रास्ते में इतना गंदा वाला सो गई थी, अभी भी देखो मेंढक वाली शक्ल बना रही है। एनीवेज गाइस मैं जाऊंगा थोड़ा सा काम करूंगा और सो जाऊंगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक लव्स ऑफ लव, बाय।